बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरे प्यारे बहनों भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों दुख तकलीफों को ख़त्म कर दे। अल्लाह पाक हमेशा आपको सलामत रखे। आज जो मैं आपके साथ वजीफा पेश करने जा रही हूँ, ये बहुत नायाब है और बहुत ही बुलंद वाला है और तमाम घर वालों के लिए बहुत फजीलत रखता है। तरीका इस वजीफे का ये है कि एक लफज है अलवदूदो, एक लफज है अल्फदूदो। तो आपने क्या करना है कि किस अगर आप मियाँ बीवी के लिए करना चाहते हैं, तो जब आप अपने शोहर के साथ खाना खाने लगो तो फिर आप अल्फदूदो की 1000 मरतबा तस्वीर पढ़ के खाने के ऊपर फूंक मार के खाना खाओ। अगर फूंक भी नहीं मार सकते तो वैसे ही दिल में तसव्वुर करके अल्लाह पाक से दुआ करो और खाना खाओ, तो यकीन माने कि इतनी मोहब्बत हो जाएगी और आपका शोहर ऐसे फर्मा बरदार हो जाएगा और ना ही लड़ेगा और ना ही झगड़ेगा। और यही तरीका अगर आप अपनी किसी फैमिली के लिए करना चाहते हैं, या घर में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है या ऐसा मसला होता है, तो फिर आपने ये वजीफा जो है आपने अपनी फैमिली के लिए करना है। तो 1000 मरतबा पढ़ के खाने के ऊपर दम करके वो खाना खिलाओगे तो आप उनके दिलों में एक मोतबर यानी कि एक इज्जत पालोगे और एक इज्जत जैसा मुकाम उनका आपके दिलों में बन जाएगा या उनके दिलों में आपके लिए बन जाएगा। आप ये वजीफा लाजमन कीजिएगा, बहुत नायाब और बहुत बुलंद वाला है, यह वदूदो का वजीफा है। अगर आप ये करते हो तो इंशाल्लाह जरूर कामयाब होगे शरे के लिहाज से, यानी कि अगर इसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो कभी भी ये फायदा ना देगा और दूसरा वबाले जान बन जाएगा। ठीक है, आप कभी भी इसको गलत तरीके के लिए इस्तेमाल ना करें। शरीयत के खिलाफ जाना गुनाह है। अगर आप शरीयत के खिलाफ जाकर कोई काम करते हो तो उसके गुनाह के हकदार आप खुद होते हो, मदरसे वाले बिल्कुल भी नहीं आपकी मदद करेंगे। और मैंने बहुत से ऐसे कमर्स पढ़े हैं जिसमें बहुत से ऐसे बहन भाई हैं जो शरीयत के खिलाफ भी जा रहे हैं, तो ब्राय मेहरबानी इस चीज से बचे। ठीक है, अच्छे तरीके से, मैं ये नहीं कहती कि दिल हर किसी का है, लेकिन थोड़ा तरीके का इख्तियार जो है दुरुस्त करें तो इंशाल्लाह जरूर कामयाबी होगी। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको करने की तौफीक अता फरमाए। इजाजत है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।